अगरबत्ती लगाने से, धूप बत्ती लगाने से, दिया लगाने से, पूजन पाठ से पहले सबसे मूल है तुम्हारी भक्ति। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा, अगरबत्ती और धूप बत्ती की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा भोलानाथ स्वतः प्रकट हो जाएगा, स्वयं सामने आ जाएगा। आप भाव से उसको रिझाओ तो सही, तुम भाव से नहीं रिझाते। हम बेटे हैं, भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी भर के ले गए। अब पानी भर के ले गए तो मन में इतना अहंकार लेकर जा रहे हैं कि मैं ही मंदिर में रोज जाती हूँ, मैं ही पानी चढ़ाती हूँ, मैं ही दिया लगाती हूँ, मैं ही बेलपत्री चढ़ाती हूँ, अगर मैं मंदिर नहीं आऊं तो काम ही नहीं चले, मैं झाड़ू नहीं लगाऊं तो मंदिर ही साफ नहीं हो, मैं ये नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई कई माताएं तो घर में कह देती है, बोलता मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है। और तुम में भी बैठी होगी दो चार चार ऐसी बोलने वाली, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है। जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ऐसा बोलेंगी तो उससे कह दीजिए आधा घंटा मरी जा, जब मर तू आधा घंटा देखे चले कि नहीं चले। अरे किस बात का फूला फिरो रे, मीराबाई के मन में अभिमान नहीं था, मीराबाई के मन में कोई बस भाव था, निर्मल मन सो मोही पावा और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। अरे कितने कितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर करके मर गए साहब। देखो तो सरी सतयुग से उठाओ द्वापर तक में कितने संत, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने साधक साधना कर करके आसपास में अग्नि जलाकर तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला उनको, मिला क्या नहीं। और अगर दो चार का नाम उठा लो, प्रहलाद तप करा नहीं भगवान मिल गया, ध्रुव भगवान मिल गए, मीरा भगवान मिल गए, नामदेव जी भगवान मिल गए, तुकाराम जी भगवान मिल गए, कर्माबाई मुक्ताबाई ये जितने भी आपको मिलेंगे, इन्होंने कोई तप साधना नहीं करी, इनको तो भगवान सामने प्रकट हो गए। केवल निर्मल मन था, भाव शुद्ध था, और भाव जब शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मेरा विश्वनाथ, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बस केवल तुम्हारा भाव, हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चौखट के सामने से जब निकलो तो यह विश्वास रखकर निकलना कि सामने तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा पूर्वज यहां बैठा हुआ है और उस भगवान शंकर को सब कुछ ज्ञात है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख सब जानता है।